हाय गाइस, मैं प्रियंका, प्रियंका बसु चैनल से। आज मैं आपको कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सब कुछ चॉप करके रखा हुआ है। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, दही फेंट के रखा हुआ है, और ये बरिया के लिए मैंने बेसन फेंट के रखा हुआ है। इसमें मैंने हल्दी, जीरा फेंट के रखा हुआ है। मैंने अभी नमक नहीं डाला था, नमक डालने से एक काफ़ी पानी छोड़ने लगता है और बढ़िया अच्छी नहीं बनती, इसलिए जब बनाना हो तभी आप नमक डालिए। और थोड़े से मैं प्याज डालूँगी इसमें, प्याज डालने से बढ़िया टेस्ट थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें प्याज थोड़े से डालूँगी। मैंने यहाँ तेल गर्म करने के रखा है बढ़ियों को तलने के लिए। अब मैं प्याज और नमक को मिक्स कर लूँगी। देखिए हमारी बरियाँ सुनहरे हो गए हैं, सुनहरे हो तक इनको तलें। देखिए सुनहरे हो गए हैं, बस सुनहरे होने तक तलें और फिर इनको निकाल लें। मेरी साड़ी बरियाँ तल गई हैं, अब मैं कढ़ी की तरफ चलती हूँ। मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी। तेल बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि कढ़ी बनानी है मुझे। इसको थोड़े गर्म होने दीजिए, उसके बाद मैं सबसे पहले जीरा डालूंगी। जीरा जीरा को थोड़ा सुनहरा होने दें, सुनहरा हो जाए उसके बाद आप चॉप किए हुए लहसुन, चॉप किए हुए मिर्च डालें। देखिए हमारे जीरा सुनहरे हो गए हैं, अब मैं इसमें चॉप किए हुए लहसुन डालूंगी। जीरा सुनहरे होने के बाद चॉप किए हुए लहसुन, मिर्च डाल के इनको भी सुनहरा होने दें। तब तक हम हल्दी निकाल लेते हैं, जो हल्दी हम पकने के लिए डालेंगे। आधी एक चम्मच, छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा पानी फेंक लेंगे। हल्दी को पकाना कढ़ी में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हल्दी कच्चे रह जाते हैं। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी सुनहरा कर लेंगे। हल्दी अगर कच्ची रह जाती है तो कढ़ी का टेस्ट नहीं आता, कढ़ी खराब टेस्ट लगती है, इसलिए हल्दी को पकना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा सा सुनहरा होने दें इसको। अब दही को भी अच्छे से फेंट लें, दही में लम्स ना रहें, नहीं तो दही कढ़ी में जाके फट जाती है, इसलिए कढ़ी को अच्छे से पहले फेंट के रख लें तब कढ़ी में डालें। तो अच्छे से फेंट के तब कढ़ी में डालें। अब हम इसमें जो मैंने हल्दी फेंट के रखी थी, वो डालूंगी। हल्दी पकने बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हल्दी पकना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो टेस्ट का कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। हल्दी पके के बाद टमाटर ऐड करूंगी, मसाले ऐड करूंगी। हल्दी को चलाते रहें, इतनी से पकड़ लेता है।
पके टमाटर ऐड करूँगी। ये सारे मसाले जीरा तो मैंने डाला ही हुआ है, गरम मसाला थोड़ी सी गरम मसाला, हल्की सी धनिया। एजुवियस आपको जो मसाले पसंद हैं वो डाल सकते हैं, मैं तो यही डालती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कढ़ी में बिना मसाले के ही अच्छा होता है। तो आप जितना कम मसाला उतनी अच्छी कढ़ी बनती है। इसको थोड़ा भूनने दीजिए, प्याज टमाटर और हल्दी पक जाए तब इसमें दही ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ी नमक भी डालेंगे जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। नमक डालने से कढ़ी के मसाले अच्छे से पक जाते हैं। किसी भी सब्ज़ी में मसाले के साथ साथ हमारा नमक डालने से मसाला जल्दी पक जाता है और सुनहरा पकता है। अब हमारे मसाले पक गए हैं, इनको अल्फाल का दबाते रहिए कि टमाटर मिक्स हो जाए। देखिए तला छोड़ने लगा है, इसका मतलब कि आपके मसाले भुन चुके हैं। ज़्यादा मसाले तो थे नहीं, हल्के मसाले ही थे। अब मैं दही ऐड करूँगी। और दही ऐड करने में सबसे बड़ी बात, आप इसको लगातार चलाते रहिए। अगर लगातार चलाएंगे नहीं तो दही फटने का डर रहता है। दही ऐड किया, अब मैंने जिसमें बरी के लिए बेसन किया था उसी को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा पका लिया था, अब मैं उसको ऐड करूँगी। देखिए आप आवश्यकता अनुसार जितने पानी चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। वैसे कढ़ी तो जमता है और बाद में गाढ़ा भी होता है, इसलिए आप पानी पर्याप्त मात्रा में ऐड करें। अब इसमें उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद मैं इसमें बढ़िया डालूंगी और गैस की फ्लेम ऑफ करूंगी और मेरी कढ़ी तैयार। अगर आपकी सारी सामग्रियाँ तैयार हैं, मुश्किल से 15 मिनट में आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी और काफ़ी टेस्टी और बेहतरीन लगती है खाने में। चावल के साथ तो और ही टेस्टी लगती है, और हम औरतों को तो कढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद होता है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा फेवरेट होता है। देखिए मैं लगातार चला रही हूँ इसीलिए कढ़ी फटी नहीं है, नहीं तो कढ़ी फटने का डर रहता है। देखिए इसमें हल्के हल्के उबाल आ रहे हैं, अब इसमें बड़ी ऐड करेंगे और एक उबाल और आने देंगे जिससे कि बड़ी भीग जाए कढ़ी में। एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। अब कढ़ी में उबाल आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब अब कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी इसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए रेसिपी आप देखिए और फिर बनाइए, फिर कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक